इस ट्रिक को फॉलो करना है, आपका व्यूज मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 2 दिन में आना शुरू हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कॉपी पर लिख लीजिएगा गोविंदा भाई ने ऐसा बोला था। तो दोस्तों अगर आपका भी व्यूज मात्र 5 या 6 जाकर रुक जाता है, 10-15 व्यूज जाकर रुक जाता है, उसके बाद व्यूज ही नहीं आता है, तो आप परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं कि भाई व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई व्यूज क्यों नहीं आता है और आप क्या करेंगे कि आपका व्यूज आना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपका 20-25 व्यूज आता है, 5-10 जाता है, तो आपका 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 इस तरह से व्यूज आना शुरू हो जाएगा। अगर आप हमारी बातों को मानते हैं तो आपका व्यूज कन्फर्म बढ़ेगा। एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा जेन्युइन ट्रिक लेकर आ गया हूं जो भाई आपको कन्फर्म बोल रहे हैं कि काम करके देगा और आपको व्यूज ला कर देगा, सब्सक्राइबर भी देगा। व्यूज आएगा तो नॉर्मल बात है, सब्सक्राइबर आएगा, क्योंकि जेन्युइन तरीका से व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे कोई फेक व्यूज नहीं लाया जा रहा है। तो आपको बताने वाले हैं इसी टॉपिक पर भी व्यूज कैसे लाते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों आप आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है हमारा कि व्यूज 5-10 जाता है, उसके बाद रुक जाता है, उसके बाद आपको आगे करना क्या है जिससे आपका व्यूज आना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी आपका चैनल है, मान लीजिए उस पर 5-10 व्यूज आता है, 50 आता है, 100 आता है, और अचानक से उस वीडियो पे, मान लीजिए कोई एक वीडियो उसी चैनल से, अचानक से कोई वीडियो पे आपका व्यू चला जाता है 500, 1000 या 300 चला गया, आपका 10-20 आता था और 300 चला गया, तो वह आपके चैनल के लिए सबसे वायरल वीडियो है। वह आपके चैनल के लिए क्या है? सबसे पॉपुलर और सबसे वायरल वीडियो। और आपको उसी वीडियो का इस्तेमाल करना और उसी वीडियो को हथियार बनाना है। और बहुत लोग का क्या होता है, एक वीडियो वायरल हुआ, 1000 गया, 500 गया, उसके बाद वह सो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, अलग अलग कंटेंट डालने लगते हैं, बस यही पे कर देते हैं आप सब गलती। तरीका क्या है? देखिए तरीका को आपको समझाने के लिए पहले मुझे ना चलना होगा YTS स्टूडियो में, और YTS स्टूडियो में आपको समझाते हैं कि आखिर करना क्या है, आपको आखिर क्या करेंगे कि आपका व्यूज आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूं। तो दोस्तों मैं आ चुका मोबाइल स्क्रीन पे, और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद हमें नॉर्मली कहां जाना है, YTS स्टूडियो पे जाएंगे। YTS स्टूडियो में सब कुछ है मेरे भाई, मैं YTS स्टूडियो पे वीडियो भी बनाया हूं कि YTS स्टूडियो को जो समझ लिया बंदा वह अपने चैनल को ग्रो कर लेगा, जो नहीं समझा वह कुछ नहीं कर पाएगा। बस आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, लोग आपको फालतू फालतू वीडियो दिखाएंगे कि ऐसे व्यूज बढ़ाओ वैसे बढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। YTS स्टूडियो में चलते हैं। देखिए YTS स्टूडियो को ओपन कर दिए हैं, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से खुलता है। यह मेरा एक चैनल है, इसमें व्यूज देखिए कितना गया, 2000, यस 2000 व्यूज गया है, और इसमें व्यूज आता है देखिए 10000 इस तरह से व्यूज आता है। ये जो 2000 है और इसमें व्यूज नहीं आ रहा है, और एक 10000 गया हुआ है, आखिर 10000 व्यूज कैसे गया हुआ है, हमें देखना पड़ेगा कि 10000 किस तरह से उसमें व्यूज आया है। इसके लिए मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं जो ऊपर में है, इस वीडियो को हम सिलेक्ट कर लिए, और यहां पे इसका बहुत ही अच्छा व्यू चल रहा है, ठीक है, और 10 वीडियो में हमारा टॉप 2 पे रैंक भी कर रहा है, क्लिक थ्रू रेट 15.8 का है, व्यूज भी 10.2 का चला गया, ठीक है। और हम इसके जाएंगे गो टू वीडियो एनालिटिक्स में, यहां पे एक ऐसा ट्रिक छुपा हुआ है भाई जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। यहां पे हम आते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए अंडरस्टैंडिंग योर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है मोर व्यूज फ्रॉम यूट्यूब रिकमेंडेशन। यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है वीडियो का, किस तरह से रिकमेंड कर रहा है हमें पता नहीं है। अगर हमें पता होता तो हम सेम इसका जो टॉपिक था जो भी था वही जो वीडियो अपलोड के जिसमें 2000 व्यूज गया उसमें डाल देते, लेकिन हमें नहीं पता है, हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ शब्द में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउ व्यूअर फाउंड दिस वीडियो, और ट्रैफिक सोर्स में क्या है, यूट्यूब रिकमेंडेशन 4.2 के ग्रीन सिग्नल लगा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है यह वीडियो। उसके अलावा चैनल पेज है जो मैं कम्युनिटी मारता हूँ, वहां से लोग देखे हैं या लोग चैनल पे जाकर देखे हैं। उसके बाद देखे क्या, यूट्यूब सर्च से कितना लोग देखा है, 1300, और हरा सिग्नल भी ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि सर्च हो रहा है और यह वीडियो सर्च में जा रहा है। और उसके अलावा एक है नोटिफिकेशन से 516 व्यूज आया है। तो यहाँ पे हमें हथियार बनाना है भाई, क्या सबसे पहले हम सर्च वाले को देखेंगे, तो सर्च वाले को देखने के लिए रीच पे जाना होगा, ठीक है। रीच पे आते हैं तो 13% सर्च हुआ है, ठीक है। सर्च में क्या हुआ है, यूट्यूब सर्च टर्म्स से जाएंगे यहाँ पे टर्म्स पे और क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च का पूरा वो खुल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे आप देखिए मेरे चैनल का नाम सबसे ज्यादा सर्च हुआ है, ब्रिलियंट बिहार, 26% सर्च हुआ है, व्यूज इन्होंने दिया 36%। वहां पे एक और है पवन सिंह न्यू सॉन्ग, ब्रिलियंट बिहार चैनल, खेसारी लाल न्यू सॉन्ग 2022, खेसारी लाल न्यू सॉन्ग, पवन सिंह न्यू सॉन्ग, ब्रिलियंट बिहार, पवन सिंह के गाना, खेसारी लाल के गाना, मगहिया जवान, पवन सिंह का छठ गीत, पवन सिंह न्यू छठ सॉन्ग, मतलब इस तरह से कीवर्ड यहाँ पे रैंक कर रहा है, जो यह कीवर्ड है यह रैंक कर रहा है और इसी से व्यूज आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम जाते हैं यहाँ पे सजेस्टिंग वीडियो पे, कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो, तो यहाँ पे आते हैं तो देखिए
बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है। देखिए और सजेशन वीडियो किसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए हम बैक आते हैं यूट्यूब में चलते हैं। मान लीजिए यूट्यूब का इतना सारा वीडियो है ठीक है, और मैं इस पर क्लिक कर दिया ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर दिया, ऐड आ रहा है एक मिनट, ऐड को हटा देते हैं ठीक है, और उसके बाद यह वीडियो चलने लगा। और नीचे जो यह वीडियो दिखाई दे रहा है जोड़े जोड़े फलवा, यह कोई और चैनल का है, यह सजेस्ट कर रहा है इस वीडियो के नीचे, यह भी छठ का ही सॉन्ग है और यह भी छठ का ही सॉन्ग है, इस छठ गाने के नीचे इसका सजेशन है ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेरा जो कंटेंट है, जो वीडियो जिस पे 10,000 व्यूज आया है, उसको सजेस्ट इस वीडियो पे किया जा रहा है। ये सब जो दिख रहा है आपको, देखिए पवन सिंह खेसारी लाल छठ गीत, शेर की बराबरी शेर ही करता है, मतलब इस टाइप का किन्हीं का वीडियो है, मुझे पता नहीं किन का वीडियो है, इनके वीडियो के नीचे मेरा वीडियो सजेस्ट जा रहा है तो मेरा व्यूज आ रहा है ठीक है। तो मुझे पता है कि इस टाइप के कंटेंट के नीचे मेरा वीडियो सजेस्ट किया जा रहा है, जो यह जितना भी वीडियो है इस वीडियो के नीचे मेरा वीडियो जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि मैं अगर इसी टाइप का कंटेंट बनाऊंगा तो मेरा वीडियो सजेस्ट करेगा यूट्यूब और मार्केट में चलेगा भी ठीक है। इसके अलावा मैं बैक आता हूं ठीक है। बैक आने के बाद सजेशन वीडियो मैं समझा दिया आपको, सर्च समझा दिया। अब जो सर्च हो रहा है देखिए, जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो में जो मैं वीडियो डालने वाला हूं उसी वीडियो में इसी कीवर्ड को मैं यूज करूंगा, इसी कीवर्ड को यूज करके, और उसके बाद जो सजेशन में जो चैनल दिखा रहा है मुझे, जिस चैनल के नीचे मेरा वीडियो आ रहा है, इस चैनल सभी चैनल का मैं वीडियो चेक करूंगा कि यह बनाते क्या है, और ऐसा ही वीडियो मैं बनाऊंगा और बनाकर ये जो सर्च वाला कीवर्ड है इसको सेम लगा दूंगा। जो आपके चैनल पे सबसे हाइएस्ट व्यू जा रहा है अभी, मान लीजिए आपका 10-20 ज्यादा है और 500 चला गया, उस चैनल का ऐसा एनालिटिक्स चेक करना है, और सर्च का जो भी उसका कीवर्ड होगा उसको कॉपी कर लीजिएगा ठीक है। और कॉपी करने के बाद कॉपी करके नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा टैग में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा ठीक है। और उसके अलावा आपको देखना है कि आपका वीडियो सजेस्ट कैसे किया गया है, किस चैनल के नीचे किया गया है, उसी चैनल का भाई कंटेंट चेक करना है कि वो लोग डालते क्या है, और उसी को अपने वीडियो में भाई यूज करना है, और वैसा ही वीडियो बनाना है सेम टू सेम। कंफर्म बोल रहे हैं कि आपका वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाएगा, यह मेरी गारंटी है भाई, क्योंकि आपको YouTube खुद बता रहा है कि आपका वीडियो इन वीडियो के नीचे हम सजेस्ट कर रहे हैं, इस टाइप का आप कंटेंट बनाइए आपका वीडियो प्रमोट होगा। और उसके अलावा सर्च है, ये देखिए मेरा कीवर्ड रैंक कर रहा है, तो मैं इसी कीवर्ड को भाई अगले वीडियो में यूज करूंगा। मान लीजिए हम टेक वीडियो बनाते हैं तो सेम इसी कीवर्ड को डालेंगे और इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, इससे मेरा चैनल ग्रो होगा, ना ही कि मैं एक वीडियो वायरल हुआ, मान लीजिए मेरा एक वीडियो है वायरल हुआ और चैनल कैसे बनाए, और उसके बाद मैं सबको बताने लगा हूं कि चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, नहीं, चैनल बनाने के ऊपर ही कुछ वीडियो बना देंगे कि चैनल में आपका 5 सेटिंग बेकार है, अब चैनल में आपको 5 सेटिंग करना होगा, चैनल में 5 सेटिंग बहुत हो जाता है, जैसे आप बता सकते हैं उसमें कि आप डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में क्या रख सकते हैं, कैटेगरी क्या रख सकते हैं, एंड वीडियो लैंग्वेज क्या रख सकते हैं, इस तरह से 5 सेटिंग आप बता दीजिएगा, उसमें कंटेंट दोनों सेम ही है लेकिन तरीका अलग अलग हो गया। तो उसी टाइप का कंटेंट आपको बनाना है जिसपे आपका व्यूज आ रहा है ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है उसको, और उसी में वीडियो बनाना है, आपका पक्का व्यू जाएगा मेरे भाई, ऐसा हर कोई करता है, मैंने भी किया है स्टार्टिंग में और आगे भी मैं करूंगा। जो नया चैनल बनेगा तो भाई नया चैनल पे जो व्यूज आएगा उसमें मैं नॉर्मल बात है कि मैं करूंगा वैसा ही व्यूज लाने के लिए, हर कोई करता है, तो आपको इसी तरह से व्यूज लाना है ठीक है। आप अलग फंडा मत अपनाइए, इसी फंडा पे काम कीजिए, YT स्टूडियो आपको भाई अगर आप चलाने आ गया तो आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि चैनल कैसे वायरल होता है, कैसे व्यूज आता है। और मैंने YT स्टूडियो से ही सारा YT स्टूडियो का एनालिटिक्स देख कर ही सारे चैनल को वायरल करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं। और YT स्टूडियो कैसे चलाना है, अगर चलाने नहीं आता अगर, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वीडियो का, मैंने बनाया था वीडियो की कैसे चलाया जाता है, उसको देख लीजिएगा और काफी मजा आएगा ठीक है। फाइनली आपको क्या करना है, आपको भाई यही करना है कि जो भी मैं बताया हूं जो ट्रिक है, इस ट्रिक को फॉलो करना है, आपका व्यूज मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कॉपी पर लिख लीजिएगा गोविंदा भाई ने ऐसा बोला था, तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा। तो यह था आज के वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।